अ वेरी वार्म गुड इवनिंग मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू बायोटॉनिक गैंगस्टर्स. कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी एंड आई एम 100% श्योर आपको बहुत अच्छी लगी होगी बिकॉज कल मैंने फाइलेरियासिस आपको डिटेल में करवाया है. मैं आपको इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसे आपने फाइलेरियासिस कभी नहीं किया. और आज की क्लास में मैं आपको इम्यूनिटी कराऊंगी. इम्यूनिटी का जो टॉपिक है उसमें से 8 मार्क्स तक आप इजिली स्कोर कर सकते हो. स्कोरिंग है, कंफ्यूजिंग है, गारंटीड क्वेश्चंस आएंगे और कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए आज की सुपर अमेजिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं. वी विल डू वन और टू डिजीजेस एंड मूव ऑन टू इम्यूनिटी. अपने पेपर पेन ओपन कर लीजिए मेरे सारे स्टूडेंट्स एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कंफ्यूजिंग होता है एक्टिव पैसिव, इसमें क्या होता है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन इम्यूनिटी से जरूर आ सकते हैं, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एट ऑल. आज के क्लास के बाद जो क्लास होगी 9 बजे, मैं आपको कुछ बायो की टिप्स बताऊंगी, बायो में कैसे स्कोर करना है उसके बारे में बताऊंगी. तो प्लीज वो वाली क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा. क्लास के बाद आपके नोट्स टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. चलिए लेट अस स्टार्ट. फाइलेरियासिस तक सबको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए. मैंने आपको लिम्फैटिक वेसल कैसे क्लोज होता है, कैसे उसके अंदर वर्म्स आ जाते हैं, कैसे बनता है, ये सारी चीजें कल की क्लास में आपको डिटेल में समझा दी है. उसी के बाद से एग्जैक्टली उसके बाद से आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज की क्लास. चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. फाइलेरियासिस हमने कर लिया है और आपको पता है मैंने कल आपको बताया था कि फाइलेरियल वर्म्स जो होते हैं जिनका नाम बुशुरिशिया बैंक्रॉफ्टी या ब्रूगी मलई होता है, ये जो फाइलेरियल वर्म्स हैं ये मॉस्किटो लार्वा के थ्रू या इनफैक्ट मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्प्रेड होते हैं. हमने कल ये बात पढ़ ली है तो आई डोंट थिंक सो अब हमें इसके ऊपर और कोई डिस्कशन करनी चाहिए क्योंकि कल हमने ये खत्म कर लिया है. अब हम आते हैं फंगसेस पर. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, प्लीज इसे मिस मत कीजिए. अ वेरी वार्म गुड इवनिंग. क्लास का टाइम 7 बजे है. मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज मैं एग्जैक्टली 7 PM को क्लास स्टार्ट कर देती हूं. मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 7 o'clock क्लास के लिए जरूर आया कीजिए. अब जो फंगस है राइट वो बिलोंग करते हैं फंगसेस से डिजीज होने वाली है. फंगस की डिजीज बता रही हूं. फंगस बिलोंग करते हैं एक जॉनर का जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम. MCQ माइक्रोस्पोरम से भी ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन. ट्राइका बेसिकली हेयर के लिए होता है. ट्राइचुप हेयर ऑयल आप सबने सुना होगा, ट्राइकोम ट्राइचुप हेयर ऑयल सुना होगा कि कई लोगों को होता है कि जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए एक हेयर ऑयल आता है ट्राइचुप. ट्राइकोम हेयर लाइक बालों पे जो स्टेम के ऊपर निकल आते हैं. तो ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मिस स्किन के वर्म्स होते हैं राइट एवरीबॉडी, उसे कहा जाता है एपिडर्मोफाइटॉन. मुझे लगता नहीं है स्क्रीन ब्लर हो रहा है गाइस, मेरे यहां पर स्क्रीन बिल्कुल ठीक है. जिसका ब्लर हो रहा है ऐसा हो सकता है कि उनका इंटरनेट कम हो रहा होगा. चलिए ये रिंग वर्म है. सबसे पहली बात आपको बता दूं, रिंग वर्म एक मिसनोमर है, गलत नाम है. पहले इसके अंदर ऐसे गोल दिखाई देता था स्किन में, इसीलिए गलती से नाम पड़ गया रिंग वर्म. पर ये वर्म नहीं है, जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी ये वर्म नहीं है, ये एक फंगल डिजीज है. इट इज नॉट अ वर्म डिजीज. इज दैट क्लियर एवरीवन? मेरे सारे बच्चों को ये क्लियर है एवरीबडी? यस, आप अपनी तरफ से चेंज कर लीजिए. साहिल हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है बच्चों, द स्लाइड्स आर एब्सोल्युटली क्लियर. थैंक यू बॉलीवुड सॉन्ग्स. आपका नाम तो बॉलीवुड सॉन्ग्स है पर आपने बिल्कुल आज मेरी हेल्प कर दी है. राइट एवरीबॉडी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मोफाइटॉन इनका नाम है. इनका नाम क्यों पड़ा है एपिडर्मोफाइटॉन? क्योंकि ये स्किन पे होते हैं और हेयर में होते हैं. ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन. इम्यूनिटी करवाऊंगी आज की क्लास में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनिटी. इस टॉपिक पे हर साल क्वेश्चन आता है. प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, डोंट मिस. डन एवरीबॉडी? ठीक है चलिए. तो ये मिसनोमर है, मैंने आप लोगों को बता दिया. कई बार स्किन के ऊपर ड्राई स्केली लीजन, गोल गोल ड्राई से लीजन आ जाते हैं स्किन के ऊपर, पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऊपर. लीजन क्या होता है? ऐसे चोट सी गोल सी, ये स्किन पे हो जाते हैं, नेल्स पे हो जाते हैं, मैंने आपको बोला बालों पर हो सकते हैं,
इसको स्कैल्प कहते हैं, स्कैल्प पर भी होते हैं, प्लीज डोंट बी लेट एट ऑल, राइट। जहां पर भी ये लीजन्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होती है, सो देयर इज इंटेंस इचिंग, राइट एवरीबडी। आपने इनके ऊपर क्वेश्चन किया होगा, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना वो पता है कैसा आता है? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा टीनिया पीडिस क्या है। टीनिया पीडिस, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो सारा दिन ग्राउंड में रहते हैं। जब वो सारा दिन ग्राउंड में रहते हैं तो ग्राउंड में पैर चलते हुए, जूता पहना हुआ, सॉक्स में पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से फंगल डिजीज हो जाती है। ये स्किन की फोल्ड्स में हो जाते हैं, पैरों के बीच में, हाथों की उंगलियों के बीच के फोल्ड्स में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ग्रॉइन, लेग्स के बीच के एरिया, बिटवीन द टोज, ये मिट्टी से आ सकते हैं। पुराने किसी के टॉवल यूज करके, अगर दो तीन लोग एक जैसे तौलिए यूज करें तो भी ये हो जाता है। मैंने आपको बोला ट्राई का मतलब हेयर, अगर किसी की कंघी यूज करें तो भी ये हो सकता है। इसके लिए पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन। अब इसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो एक से दूसरे तक हो सकती हैं, उन सब के लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, एक्सक्रीटा का डिस्पोजल, वाटर रिजर्वियर्स वगैरह को रेगुलर क्लीनिंग, ताकि डायरिया कॉलरा ना फैले। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है जहां इंफेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, जिसको मैंने आपको फीको ओरल कहा था कि पानी बिल्कुल ठीक हो, जैसा टाइफॉइड, जो एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, जैसे निमोनिया, कॉमन कोल्ड, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रेगुलरली घर के आसपास की चीजों की सफाई हो रही है, जहां पर भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे डोर नॉब्स वगैरह। मलेरिया वगैरह के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो, वेक्टर्स हो, और ब्रीडिंग प्लेसेस जैसे वाटर वाटर टैंक्स, वाटर कूलर्स वगैरह में जब हम पानी रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से आता है कि अगर हम गैम्बूजिया नाम की फिश जो है वो वाटर टैंक्स में डाल दें, तो गैम्बूजिया नाम की जो फिश होगी, अगर हमने इसको वाटर टैंक में डाल दिया, ये लार्वा ईटिंग फिश होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिश लार्वा को ईट करती है। जितने बच्चे लेट आए अपने मुंह पे जोर से एक थप्पड़ मार लो अभी, राइट। लेट नहीं आना बच्चों, तुम लोगों के लिए क्लास ले रही हूं, 7 PM मतलब 7 PM क्लास शुरू हो जाएगी, लेट नहीं आना। मैं 3 दिन में चैप्टर करा रही हूं, अगर किसी को वन शॉट में करना है वो दूसरे टीचर के पास जाके पढ़ ले। क्यों 3 दिन में करा रही हूं? क्योंकि अभी भी टाइम है। अभी अगर हमने जल्दी मचा दी, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे बच्चों, तो जो कॉन्सेप्ट है वो वीक हो जाएंगे और पढ़ाई नहीं हो पाएगी और एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोगों की माशाल्लाह है, आपको पता है, एटलीस्ट बायो को तो बहुत अच्छा कर लो एवरीबडी, ठीक है? 7 बजे मतलब 7 बजे, ठीक है जी। तो लार्वा ईटिंग फिश कौन सी होती है? गैम्बूजिया। गैम्बूजिया मच्छर के लिए जाली लगा लीजिए दरवाजों पे, ये बेसिक चीजें हैं, सारे बच्चों को पता है। यहां पे एक और एमसीक्यू यहां से आएगा, यहां से आएगा। एडीज मॉस्किटो, आपको मैंने कल मच्छर का नाम बताया, फीमेल अनोफलीज, जो कि मलेरिया कॉज करेगी, कल आपको बताया था मैंने। फीमेल अनोफलीज, और फीमेल क्यों खून चूसेगी आपको पता है? क्योंकि उसको ही ब्लड चाहिए होता है फॉर लेइंग एग्स। जो एडीज मॉस्किटो है, एडीज, वो डेंगी और चिकनगुनिया कहते हैं। चिकनगुनिया में बोन्स में पेन होती है। जितनी ज्यादा बायो बढ़ रही है, हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, हमने बहुत सारे इंफेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ अपना इम्यूनिटी बढ़ा लिया है, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया स्मॉल पॉक्स को। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस के लिए भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा आउट ऑफ एनसीईआरटी कराती हूँ, चलो आ जाओ। आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था, उसी के आगे नोट्स बना देती हूँ। डन। पोलियो के लिए वैक्सीन होता है, उस वैक्सीन को आउट ऑफ एनसीईआरटी करवा रही हूं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं,
प्लीज ध्यान से सुनिए। क्लास का टाइम 7 बजे है, 7 बजे के बाद आना मतलब नो अटेंडेंस एवरीबडी। और अटेंडेंस तो मार्क करनी ही नहीं है हमने, है ना? हमने अटेंडेंस मार्क करेंगे, हम बड़े शैतान बच्चे हैं, लाइक नहीं करेंगे हम वाणी मैम के चैनल को। चलो फटाफट एवरीबडी मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो भैया पोलियो के लिए वैक्सीन होती है, उसका नाम होता है ओपीवी, एमसीक्यू में आता है। ओपीवी का फुल फॉर्म कौन है, कौन बताएगा? ओपीवी का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। इम्यूनिटी आने वाला है वहां, मैं आपको लाइव और एटेन्यूएटेड बताने वाली हूँ, राइट एवरीबडी? लाइव और एटेन्यूएटेड बताने वाली हूँ, पर ये थोड़ी चीजें कर लो, इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। अब डिप्थीरिया के लिए होता है एक ट्रिपल वैक्सीन। डिप्थीरिया मैंने कल आपको समझाया था, देख लीजिए, आज इसके नोट शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ। डिप्थीरिया कल समझाया था आपको मैंने, ये देखो ये समझाया था आपको डिप्थीरिया, गला मोटा हो जाता है, सारे बच्चों को याद है? डन वेदिका जी, तो डिप्थीरिया कल आप सबको बताया था, यो मैम वाणी मैम आपने बताया था। डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन होता है उसको कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन। क्या नाम होता है जी डिप्थीरिया के वैक्सीन का? ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल तीन चीजों के लिए होता है, डिप्थीरिया उनमें से एक चीज होती है। तो डिप्थीरिया का जो ट्रिपल वैक्सीन होता है बेटा, इसका नाम होता है डीपीटी। क्या नाम होता है वाणी मैम को बताओ? डीपीटी। इसमें तीन चीजें कौन सी होती है? डिप्थीरिया जो गले की बीमारी होती है, पर्टुसेस। पर्टुसेस जो होती है एक तरह की खांसी होती है जिसमें आदमी को बहुत जोर से खांसी होती है, दमा कहते हैं। दमा तो वैसे अस्थमा को भी कहते हैं, वो वाला नहीं, मतलब गला ऐसे ब्लॉक हो जाता है, आदमी बिल्कुल मरने जैसा हो जाता है, उसका हाल बहुत खराब हो जाता है, उसे कहते हैं पर्टुसिस। इसका एक और नाम होता है वूपिंग कफ। वूप मतलब एकदम गला बंद होने जैसा आता है। डीपीटी का फुल फॉर्म आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसे कहते हैं वूपिंग कफ, दमा। और तीसरा होता है टेटेनस। तीसरा होता है टेटेनस। तो तीन चीजें हैं बेटा, एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है पर्टुसिस और एक होता है टेटेनस। इज दैट क्लियर एवरीबडी? प्रिया जी आप सिर्फ अमेजोन पे डाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली बुक मिल जाएगी। डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन है, तीन चीजों के तरफ काम करती है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? डीपीटी आपकी ट्रिपल वैक्सीन है। डन एवरीबडी? ओपीवी पोलियो की वैक्सीन है, डिप्थीरिया डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस। अच्छा गाइस, पोलियो के लिए ऊपर एमसीक्यूज और डेप्थ में आते हैं, जिनको कहा जाता है सेबिन वैक्सीन, साक वैक्सीन, उसके बारे में मैं और ज्यादा डिटेल में अभी इम्यूनिटी करवाने वाली हूँ, तो आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो टेटनस आपको मैं बताने वाली हूँ, अभी आएगा आपका टेटनस भी, आपको पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो डिप्थी ये देखिए, तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी से हमने टेटनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, निमोनिया के लिए, पोलियो के लिए, सबके लिए वैक्सीन बना दिए। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको चैप्टर 12 में करवा दिया, पर अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। किस पे आते हैं? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम क्या है? इम्यूनिटी। चलिए तो मैं अभी आपको इम्यूनिटी डिटेल में करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अब आप लोग मेरे साथ हैंडमेड नोट्स बनाइए, राइट? दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू। पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन कीजिए, मैं आपको ऐसे इम्यूनिटी करवाऊंगी कि यार आप भूल जाओगे आपको कभी भी इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम थी। अगर आपको एक पैसे की भी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम थी, आप भूल जाओगे आपको इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम थी। आप ऐसे हो जाओगे, वाओ कुछ तो आज हमने पढ़ाई करी है, हमने कुछ तो समझा है। मैं आपको ऐसे इम्यूनिटी के नोट्स बनवा कर देती हूँ, इन्नेट इम्यूनिटी, आप हैरान रह जाओगे, आप एकदम मतलब यू विल बी लाइक वाओ, राइट? दो तरह से नोट्स बनाएंगे हम, कुछ मैं एनसीईआरटी में बनाऊंगी और कुछ चीजें मैं सेपरेट हैंडमेड नोट्स में बनाऊंगी। 1 घंटे की क्लास अभी से लूंगी, 8:15 तक मिनिमम आपकी क्लास लूंगी, आज 8:30 तक भी ले सकती हूँ। डन, मुझे एक भी बच्चे का चूं का आवाज नहीं चाहिए, क्लास में इधर उधर मटकना नहीं, भटकना नहीं, देखना नहीं, करना नहीं, सिर्फ क्लास में बैठना है और पढ़ना है। इम्यूनिटी से 2 क्वेश्चन आपकी क्लास में पक्का आएंगे और वो आपके अगले आधे पौने घंटे में 8 नंबर आपकी जेब में होंगे। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस। एंड श्रेय जोशी का सुन लो गाइस, कम ऑन श्रेय, थैंक यू। ये सीरीज क्लास 11th के लिए भी होगी, 5-6 चैप्टर क्लास 12th के बचे हैं, उसके बाद ये सारी, उसके बाद सबसे पहले पता क्या कराऊंगी सीरीज में? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कराऊंगी सीरीज में? सबसे पहले क्लास 12th, क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक एक चीज समझा दूंगी, टेंशन नहीं, पूरी फरवरी में आपको क्लास 11th ऐसे करवाऊंगी। डन,
चलो आ जाओ, इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहले इस बात को समझो, इम्यूनिटी क्या होता है, राइट? पूरा हैंडमेड नोट से अच्छे से समझाऊंगी, पिन ड्रॉप साइलेंस, मुझे आवाज नहीं चाहिए मेरी क्लास में। सब बच्चे बस बैठ के पढ़ेंगे, फुल अटेंशन देंगे। इम्यूनिटी क्या होता है बेटा, आपको समझना है। देखो बेटा, आप सब ह्यूमन बींग्स हो, करेक्ट? आप ह्यूमन बींग हो, हमें कुत्तों की बीमारियां नहीं हो सकती, यस या नो? कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कुत्तों को होती है, वो बीमारियां हमें नहीं हो सकती। कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो गाय भैंसों को होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पिग को होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो चिड़िया को होती है। जस्ट बिकॉज यू वी आर ह्यूमंस, हम उन बीमारियों से बचे हुए हैं। अपने को बचा पाना, अपने को सेफ रखना, अपने को प्रोटेक्ट कर पाना, अपने को बचा लेना क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। अपने को सेफ रख लेना, अपने को बचा देना क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। यस और नो? कोई लैग नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे क्लास में अटेंशन चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब अगर मैं आपको बेसिक तरह से समझाऊं, बिल्कुल पहले आपको सब कुछ हैंडमेड नोट से समझाऊं, पहले आपको सब कुछ हैंडमेड नोट से समझाऊं, बता दो यस मैम, डन पूरे का पूरा। उसके बाद आपको पूरी एनसीईआरटी समझाऊं, जैसे कल मैंने फाइलेरिया से समझाया था, जैसे कल मैंने डिजीजेस समझाई थी, बता दीजिए। पहले ऐसे ही कराए? यस मैम। एवरीबडी पक्का? सब कुछ एकदम डिटेल में, उसके बाद हम क्लास में पढ़ लेंगे, सारी स्लाइड्स पढ़ लेंगे, डन? और कुछ एमसीक्यूज करते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी वाले, व्हाई डू वी फॉल इल वाले, ओवरऑल एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या कहते हो? डन वाणी मैम के बच्चों? यो मैम, हैंडमेड नोट्स पूरे का पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पूरा हैंडमेड नोट से पढ़ते हैं, आपको मैं लिख के समझाती हूं, दिखाती हूं, पढ़ाती हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी मार्क करूंगी, डबल डोज हो जाएगा एक सिंगल क्लास में। यस मैम, डन? लाइक कर दो फिर एवरीबडी। व्हाट इज इम्यूनिटी? बेटा देखो, बाजार में बाहर बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कुछ गंद है, कोई फंगस है, कोई वर्म है, पर हम सब अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, हम सारे के सारे अपने आप को इनसे डिफेंड कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फेक्टिव एजेंट हैं, कोई आपको बाहर दिखेगा बैक्टीरिया, कोई आपको बाहर दिखेगा वायरस, कोई आपको बाहर दिखेगा वर्म, कुछ बाहर गंदमंद फंगस, बट क्या हम अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं? क्या हम अपने आप को इनसे बचा पाते हैं? इसे कहते हैं इम्यूनिटी, अपने आप को बचा पाना। अब अपने आप को जो हम बचा पाते हैं वो दो तरह की है, एक इम्यूनिटी होती है बेटा इननेट इम्यूनिटी, और बच्चों एक इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की। बेटा जब हम पैदा हुए हैं तो हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन करता है आपकी? आज तक जब आप प्रॉब्लम में होते हो, जब आपको कोई तकलीफ होती है, तो आपका ध्यान कौन रखता है, आपकी प्रोटेक्शन कौन करता है, आपको प्यार से कौन पालता है, आपको खाना कौन खिलाता है? आपकी माँ। तो क्योंकि आप जब पैदा हुए हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप कुछ इम्यूनिटी के साथ आपने जन्म लिया है, ये इम्यूनिटी आपके साथ जन्म से रहेगी, आप इस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हो, इननेट। क्योंकि नियोनेटल वर्ड आपने सुना होगा, नेटोलॉजी, नियोनेट वर्ड आपने सुना होगा, नेटल वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है बर्थ। इज दैट क्लियर? नेटैलिटी वर्ड आपने सुना होगा, नेटैलिटी वर्ड आपने इकोलॉजी में बर्थ, तो इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न। ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो आपके साथ जन्म से है, आप इस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हो। इज दैट क्लियर?
प्योर एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं है, मैं आपको कराने वाली हूँ। इनेट इम्यूनिटी, कितने टाइप की, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया बताओ, एनसीईआरटी की लाइन है कितने टाइप की इनेट इम्यूनिटी बताओ जी, एनसीईआरटी की लाइन है, कौन बच्चा बता पाएगा, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वही बच्चा बता पाएगा। इनेट इम्यूनिटी चार टाइप्स की है, देर आर फोर टाइप्स ऑफ बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी, आया समझ में, चार टाइप के बैरियर हैं। कितने टाइप के बैरियर है वानी मैम को बोलो, चार टाइप के बैरियर। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये वानी मैम ने अपनी किताब में भी क्वेश्चन बनाया है, एनसीईआरटी की लाइन क्वेश्चन। चार टाइप के बैरियर है। सबसे पहला, अब मैं आपको इसके निमोनिक्स भी कराती हूं, सबसे पहला आपको इसके निमोनिक्स, चार टाइप के बैरियर को बोल दो P2C2। क्या बोल दोगे चार टाइप के बैरियर को, बताइए वाणी मैम को, P2C2। एनसीईआरटी के नोट्स बनवा रही हूं, कितने टाइप के बैरियर है बताइए वाणी मैम को, चार टाइप के बैरियर है, और उन चार टाइप का नाम क्या है जी, P2C2, पीसी होल स्क्वायर। हमारा, हम किससे डरते हैं, हम बाकी सब में तो इननेट इम्यूनिटी लगा देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो है पीसी होल स्क्वायर, मतलब P2C2, याद रहेगा इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कितने टाइप की जी, चार टाइप की है, P2C2। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सबसे पहली टाइप की इनेट इम्यूनिटी है आपकी फिजिकल। कौन सी इम्यूनिटी है जी आपकी, सबसे पहली टाइप है आपकी फिजिकल। दूसरी कौन सी है जी आपकी, फिजियोलॉजिकल। तीसरी कौन सी है जी आपकी, तीसरी कौन सी जी आपकी, सेलुलर। तीनों चारों समझाऊंगी मैं आपकी। चौथी कौन है जी आपकी, साइटोकाइन। तो आपकी टोटल इम्यूनिटी क्या हो गई जी, P2C2। एनसीईआरटी के नोट्स बनवा रही हूं, समझा दूंगी एनसीईआरटी से। इज दैट क्लियर एवरीबडी? याद रखना कितना इजी हो गया, हो गया इजी पीजी। हमने लेमन को कर दिया स्क्वीजी, लेमन को हमने स्क्वीजी कर दिया, इजी हो गया सबके लिए। बता दीजिए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, एवरीबडी ऑन वानी मैम्स क्लास, परफेक्टो द जिलेटो द विलेटो एवरीबडी, पक्का P2C2 आ जाइए। सबसे पहले आप आइए, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल किसका पार्ट है जी, ये चारों किसके पार्ट है, इननेट इम्यूनिटी के पार्ट है। इननेट वर्ड के लिए मैंने आपको क्या रटवाया है जी, इननेट वर्ड के लिए वानी मैम ने आपको क्या रटवाया, वानी मैम को बता दो, वानी मैम ने नियोनेटोलॉजी रटवाई है, नेटल रखवाया है, बर्थ रटवाया है। तो आ जाइए सबसे पहले जी आपकी फिजिकल इम्यूनिटी पे, फिजिकल होगी नंबर वन, ठीक है। ये हमारी बॉडी का, याद रखिए, फिजिकल हमारी बॉडी का मेन बैरियर है, ये हमारी बॉडी का चौकीदार है, ये लठ लेके खड़ा है, ये क्या लेके खड़ा है, ये लठ लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा होता है चौकीदार, जागते रहो, कहता है कि नहीं कहता, तो ये आपकी बॉडी का चौकीदार है, ये क्या लेके खड़ा है बताइए एवरीबडी, ये लठ लेके खड़ा है। तो चौकीदार क्या है, फिजिकल आपकी एपिथीलियम है, एपिथीलियम आपका चौकीदार है, और मैंने क्या बोला, ये डंडा लेके खड़ा है, बोल रहा है जागते रहो, आना मत घर में, मेरे घुसना मत, चोरी मत करना। तो डंडा कौन है, म्यूकस, NCERT, समझ आया, एपिथीलियम इज चौकीदार, NCERT। और कहाँ कहाँ होगी आपकी एपिथीलियम बताइए, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होगी आपकी एपिथीलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है एपिथीलियम, होती है कि नहीं होती बताइए, बिल्कुल होती है वाणी मैम। और कहाँ होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पेट में होती है जी आपकी एपिथीलियम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में होती है, बनाओ मेरे साथ साथ नोट्स। और कहाँ होती है, यूरोजेनाइटल में होगी एपिथीलियम। यस, ये इसके तीन एग्जाम्पल्स हैं। चौकीदार वाला एग्जाम्पल याद रहेगा सारे बच्चों को, डन एवरीबडी? फिजिकल इज द मेन बैरियर, ये आपका चौकीदार है, चौकीदार किसके साथ खड़ा होता है याद रखना, चौकीदार किसके साथ खड़ा होता है, चौकीदार हमेशा स्टिक लेके खड़ा होता है। तो आपकी सारी एपिथीलियम क्या रिलीज करेगी जिसमें बैक्टीरिया फंस जाएगा, म्यूकस रिलीज करेगी। एपिथीलियम क्या है जी आपकी, एपिथीलियम इज योर मेन प्रोटेक्टर, यस और नो,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी एपिथीलियम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, यूरोजेनाइटल एपिथीलियम, ये तीन टाइप की एपिथीलियम है। ये आपका फिजिकल इम्यूनिटी है। हुआ क्लियर एवरीबडी? वन ब्यूटिफुल लाइक हार्ट, अच्छे से याद रहेगा पक्का। अब दिखाऊं, अब कुछ दिखाऊं आपको हैरान करने वाली बात। आ जाओ पहले इधर देखो, पहले इधर देखो, हैरान करने वाली बात देखो। अभी ऐसे नोट्स बनवाऊंगी तुमने लाइफ में कभी बनाए नहीं होंगे, तुम्हें इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ अभी नोट्स बना लो। पी पी सी सी नीचे हो गया, पी टू सी टू बता दो, ये नीचे पी टू सी टू हो गया साइटोकाइन। अब फिजिकल पे आ जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट, म्यूकस दिख गया, मेन बैरियर दिख गया, एपिथीलियम दिख गया, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल, बता दो। समझ आ गया? मेन बैरियर है, म्यूकस दिख गया, एपिथीलियम दिख गया, रेस्पिरेटरी दिख गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दिख गया, यूरोजेनाइटल दिख गया, एनसीईआरटी के हमने नोट्स बना लिए। डन एवरीबडी? पक्का प्रॉमिस? चले आगे फिजियोलॉजिकल की तरफ, हो जाएगा। यस, आज के बाद भूलेगा नहीं बेटा, ऐसे नोट्स बनवा दूंगी निमोनिक्स के साथ, शॉर्ट फॉर्म के साथ, कभी नहीं भूलेगा, भूल ही नहीं सकता। चले चलो जी, हो गया पी टू सी टू हमने पढ़ लिया। आ जाओ अगली, ये कौन सी थी? फिजिकल। फिजिकल इसके बाद कौन है? पी टू फिजियोलॉजिकल। नंबर टू कौन सी है जी? फिजियोलॉजिकल। अब बेटा फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। क्या मतलब होता है वाणी मैम को बताओ? फंक्शन, फिजियोलॉजी, बॉडी कैसे काम कर रही है आपकी। जो बच्चे लेट आए ना उनको मेरी तरफ से भी दो थप्पड़ पड़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? फंक्शन काम क्या है? अब आप बताओ स्टमक का काम क्या है? डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक क्या रिलीज करता है? एसिड। माउथ का काम क्या है? डाइजेस्ट करना। माउथ डाइजेस्ट करने के लिए क्या रिलीज करता है? सलाइवा। इज दैट क्लियर? आईज का काम क्या है? आपको देखते रहना, देखोगे आईज मॉइस्ट रहनी चाहिए। मॉइस्ट रहने के लिए आईज क्या रिलीज करती है? टीयर्स, जिसके अंदर लाइसोजाइम होती है। ये तीनों के तीनों माइक्रोब्स की डेथ कॉज करते हैं। फंक्शन बन गया प्रोटेक्शन। फिजियोलॉजी आ गया समझ में? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। स्टमक के एसिड बैक्टीरिया को उगने नहीं देगा, माउथ का सलाइवा बैक्टीरिया को उगने नहीं देगा, आईज के टीयर्स बैक्टीरिया को उगने नहीं देंगे। माइक्रोब्स की उन्होंने क्या कर दी? माइक्रोब्स की डेथ कॉज कर दी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? राइट डाउन, यस मैम। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, बोल दो। यस मैम, 100% हमें क्लास में सब समझ में आ रहा है, बोल दो, राइट बना दो, लव कर दो, प्यार दिखा दो अपना सारे बच्चों। डन। ये बताओ कल की क्लास से और बेटर हो रही है आज की क्लास, क्योंकि नोट्स बन रहे हैं साथ के साथ, जिन बच्चों के नोट्स नहीं बने हैं ये छोटे 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 बनाओ। मैं तो बड़ा लिख रही हूँ क्योंकि तुमको दिखाई नहीं देगा, तुम और छोटा कर दो इसको, तुम इसको और छोटा कर दो, और फिर देखो तुम्हारे एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे बेटा, क्योंकि तुम्हारे नोट्स बन गए, तुम्हारा सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, दो दो बार चीजें कराऊंगी। अब आ जाओ इसके बाद, ये था आपका जी फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद क्या बोला? पी टू सी टू, वाणी मैम ने बोला सी टू। तो इसके बाद कौन सा बैरियर है जी? आपका सेलुलर बैरियर है जी। मतलब यार बॉडी में कुछ सेल्स होंगे जो डिस्कुम 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 करेंगे। यस, सेल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले सेल व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर की वजह से नाम पड़ गया, ल्यूकोसाइट। ये आपके होंगे डब्ल्यूबीसी, लड़ेंगे। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपनी शेप बदल बदल के दुश्मन के पास जाके अटैक करते हैं, उनकी एक शेप नहीं रहती, वो अपनी शेप बदलते रहते हैं। इनका नाम होता है पॉलीमॉर्फो। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फो का मतलब होता है अपियरेंस। यस, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, न्यूक्लियस होता है इनमें, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। वन टू क्या होते हैं जी? ये न्यूट्रोफिल्स। इज दैट क्लियर? बेटा कुछ ऐसे सेल होते हैं जो बहुत मोटे मोटे सेल होते हैं, इनका काम होता है बड़ी बड़ी चीजों को डिस्ट्रॉय करना। एक सेल सब पे भारी, मोनोसाइट्स। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फंगस को, डेंजरस चीजों को खा जाते हैं, इनका नाम होता है न्यूक्लियर नेचुरल किलर सेल। ये सारे
लिम्फोसाइट होते हैं, बड़े बड़े सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, ये सारे सेल मैक्रोफेज खा जाते हैं फॉरेन सब्सटेंस को। मैक्रोफेज का काम करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को खा लेते हैं। वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं कि नहीं बताओ। मैंने आपको कितने टाइप के सेल बताए बेटा, ऐसे नोट्स बन जाएंगे पूरी बायो के, 11th के फिजियोलॉजी के, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें भी एंटीबॉडी का डायग्राम कराऊंगी, तुम सारे एंटीबॉडी के क्वेश्चन रट के आओगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। तुम्हारी बायो मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो सेलुलर टाइप के सेल्स कितने हैं बता दो वानी मैम को, कितने टाइप के सेल दिख गया आपको सेलुलर? चार। आपको WBCs दिख गए जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आपको अलग अलग शेप बदलने वाले सेल दिख गए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, आपको बड़े बड़े सेल दिख गए, बड़े बड़े मोटू मोटू सेल मोनोसाइट्स, और आपको नेचुरल किलर सेल्स दिख गए। चारों सेल दिख गए, इनका काम होता है दूसरों को खा जाना, या मैक्रोफेज करेंगे या फैगोसाइटोसिस करेंगे। चार तरह के सेल है, ठीक है। इसके अलावा तीन चीजें पढ़ ली हमने, P2C2। P2 में क्या पढ़ा, फिजिकल, फिर क्या पढ़ा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिर क्या पढ़ा, सेलुलर, फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा जी आपका साइटोकाइन्स। क्या आएगा बेटा आपका, साइटोकाइन बैरियर। समझ में आ गया? चौथा बैरियर कौन सा आएगा वानी मैम के बच्चों बता दो, साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन क्या होता है बेटा, आपके मन में आना चाहिए। साइटोकाइन का मतलब होता है बेटा सिक्रीशन, सिक्रीशन साइटोकाइन। अब बेटा देखो बेटा, सब लोग आदमियों की तरह नहीं होते, ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये बहुत शातिर होते हैं। ये ह्यूमन बींग्स किसी का सुख चैन नहीं देख सकते, ये ह्यूमन बींग दूसरे की तबाही देख के बहुत खुश होते हैं। पर बेटा नेचर ऐसा नहीं होता, नेचर हेल्पफुल होता है, नेचर सबको जोड़ के रखता है, नेचर सबकी मदद करता है। नेचर पता है क्या कहता है, अगर मैं मर रहा हूं ना तुझे बचा लूं, अगर मेरा किसी ने बुरा किया है ना तो तुझे बचा लूं। नेचर ऐसा सोचता है, नेचर ये नहीं सोचता कि मैं सबको मार दूं, नेचर सोचता है कि मैं सबको बचा लूं, मैं सबको साथ लेके चलूं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक सेल, इस सेल के अंदर घुस गया वायरस। कौन घुस गया इस सेल के अंदर, वायरस। ये सेल बेचारा मरने वाला है, क्योंकि इस सेल के अंदर कौन घुस गया बताओ, इस सेल के अंदर किसकी एंट्री हो गई, कौन घुस गया इस सेल के अंदर, वायरस। तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, ये बोलेगा वायरस आ गया है, मैं मर रहा हूं, तुम अपने को बचा लो। ये बोलेगा, क्या बोलेगा, तुम अपने को बचा लो, मैं तो गया, तुम अपने दरवाजे लगा लो। ये सेल है, सेल, इस सेल के अंदर घुस गया है वायरस। तो ये सेल क्या बोलेगा, भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं तो अपने को बचा ना पाया। सेल चिल्लाएगा, सेल क्या करेगा, चिल्लाएगा, सबको अलर्ट करेगा। ये बाकी सबको क्या कर रहा है, अलर्ट, वायरस आ गया है, तुम अपने को बचा लो। ये बाकी सेल को क्या पास करेगा, मैसेज पास करेगा, बचाओ अपने को, तुम अपने को बचा सकते हो तो बचा लो, मैं तो मरने वाला हूं। वो मैसेज कौन है, इंटरफेरॉन, विच इज अ साइटोकाइन। समझ में आया? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वानी मैम इसका नाम इंटरफेरॉन क्यों रखा, क्योंकि इंटरफेरॉन इंटरफेयर्स विद स्प्रेड ऑफ वायरस, ये वायरस का स्प्रेड नहीं होने देगा, इसीलिए इसका नाम इंटरफेरॉन पड़ा। समझ में आया? ये बाकी सारे सेल्स को जाकर बोलेगा, भैया मैं तो गया काम से, मेरा तो जो होना था हो लिया, मैं तो गया, तुम अपने को बचा लो, तुम
तुम अपने को देखो, बाई चांस कोई टीचर अच्छा हो, वानी मैम टीचर अच्छी है, क्या तुम तीन लोगों को जाके बोलोगे? तुम तो बड़े निकम्मे बच्चे हो वैसे, कुछ नहीं बोलोगे, मेरी कोई मदद नहीं करोगे। पर क्या आपने स्कूल में कॉलेज, यार वानी मैम बड़ा अच्छा पढ़ाती है, पर कोई गलत टीचर है, अच्छा नहीं पढ़ाता आपको, उसका समझ भी नहीं आ रहा, आप जाके यार वहाँ नहीं समझ आता, उस कोचिंग में मत जाना, वो अच्छा नहीं। आप बातें करते हो ना, यार वो वानी मैम बहुत अच्छी है, वो तो बहुत प्यार से पढ़ाती है, वो तो बड़ी अच्छी मैम है। यस, और कोई अच्छा नहीं पढ़ाता आप क्या बोलोगे? यार वहाँ नहीं कुछ समझ में आया भाई, पैसे वेस्ट हो गए मेरे तो, मैंने तो पैसे दिए थे पर मेरे पूरे पैसे वेस्ट हो गए, समझ में नहीं आया। वर्ड ऑफ माउथ करोगे ना, आप भी तो बातें करते हो, हम सब बातें करते हैं। सिमिलरली ये वायरस जो है, जो इस सेल के अंदर आ गया, सेल भी रोएगा, सेल चिल्लाएगा, सेल बोलेगा मैं तो गया, वायरस आ गया है, मैं मर रहा हूँ, तुम अपने को बचा लो, मेरा तो कुछ नहीं हो पाया, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर गया, मेरा तो जो होना था हो लिया, मैं तो गयो, बिल्कुल तुम अपने को बचाओ बेटा, कुछ तो करो अपने को बचाओ। दैट इज इंटरफेरॉन। अब तुम्हें दिखाती हूँ मैं असली चीज। यस, अब तुम्हें दिखाती हूँ असली मजा। आ जाओ फिजियोलॉजिकल पे आ जाओ, तुम्हारे नोट्स देखो मैंने कितने बढ़िया बनाए हैं। यस एवरीबॉडी, शगुन जी आइए, आ जाइए, रेड कलर के पेन पे देखिए, फिजियोलॉजिकल एसिड इन स्टमक मैंने आपको लिखवाया, अपने नोट्स खोल लो, अब ये मत लिखो, अपने नोट्स खोलो। सलाइवा लिखवाया, टीयर्स माइक्रोबियल ग्रोथ, पीएमएनएल लिखवाया, डब्ल्यूबीसी लिखाया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेलुलर बैरियर, नेचुरल किलर सेल मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोस। आ जाओ साइटोकाइन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच परफेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल। यस, सब कुछ करवा दिया वानी मैम ने, नोट्स बनवा दिए आप सबके, यस ओ डन। अब आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, ये डायग्राम मैं तुम्हें ऐसे करवाऊंगी कि भैया तुम तो नेक्स्ट लेवल पे छाने लगोगे। तो ये पी टू सी टू क्या है जी, पी टू सी टू क्या है आपका, पी टू सी टू है जी आपका, पी टू सी टू है आपका इननेट इम्यूनिटी। अब कुछ इम्यूनिटी होती है जिसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जब कोविड फैल रहा था तो आपने सुना था कि यार आजकल ना प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा चलन चला है, मतलब मान लो, यस यू कैन इजीली क्रैक इन 1 ईयर इफ यू स्टार्ट नाउ। मान लो अभी मैं, मुझे बाय चांस कोविड हुआ था मान लो, तो मेरे साथ वालों को कोविड हुआ है अभी, वो बेचारे बुढ़ा बुढ़ी बड़े बीमार हैं, उनको एंटीबॉडी चाहिए। मान लो मुझे कोविड हुआ था मान लो, तो क्या मेरी बॉडी ने उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाई होगी? तो साथ वाले तो बेचारे बुढ़ा बुढ़ी है, उनके पास तो एंटीबॉडी बनाने की ताकत नहीं है शरीर में। तो बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी से एंटीबॉडी निकाल के उनको दी जाए? बस ये बता दो, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी से एंटीबॉडी निकाल के उनको दे दी जाए? आपको क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि मुझे तो हुआ है थोड़े दिन पहले ही। अब अगर मुझे थोड़े दिन पहले हुआ है तो ऐसा क्या हो सकता है कि मेरी बॉडी में एंटीबॉडी हो? उसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे बताओ वाणी मैम को, प्लाज्मा थेरेपी। तो क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी बेटा? प्लाज्मा थेरेपी वो होता है कि किसी की बॉडी से एंटीबॉडी निकाली जाती है और उस एंटीबॉडी को किसी और को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब बेटा कि हमने कहीं और से एंटीबॉडी ले ली, हमने कहीं और से एंटीबॉडी ले ली, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड। मेरे अगर मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, मान लो वो गंदा सा मीम चला था ना, छोटी बच्ची हो, क्या आई हेट सच मीम्स, जितने गंदे लगते हैं, मेरा मन तो करता है ऐसे मीम्स वालों को थप्पड़ मार दो, छोटी बच्ची हो क्या, और लोग उसके मीम बना रहे थे, छोटी बच्ची हो क्या, मैं इतने बड़े बड़े टीचरों को उसके मीम बनाते देखा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, जेंडर बायस इज समथिंग आई हेट इट। यस एवरीवन, बट एनीवेज, तो मैं आपको क्या कह रही थी कि बेटा अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि यार यस कि यार मतलब मैं जो हूं ना, मैं अपना खुद का राइट, हम अगर यू नो, एक सेकेंड बच्चों, अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है कि जब हम खुद बनाने की क्षमता नहीं रखते। अगर एक बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो उसके पास ताकत है कि वो एंटीबॉडी बना सके? नहीं। कोई बहुत बुजुर्ग है, 90 साल का है,
94 95, क्या उसके पास ताकत है कि वो एंटीबॉडी बना सके? नहीं, उसके पास ताकत नहीं है एंटीबॉडी बनाने की। और कई बार हमें बीमारी हो सकती है, इसीलिए हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाना सीखते हैं। तो कई बार हमारी स्किन, हमारे टीयर्स, हमारा सलाइवा, हमारा एसिड बचाता है, और कई बार हम साइंस से मदद लेते हैं, हम एंटीबॉडीज को एक्वायर करते हैं। तो अब मैं आपको एंटीबॉडी सिखाती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिखाती हूँ, हम आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ। आई होप मेरे सारे बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। दो तीन बार आपके नोट्स बन जाएंगे बेटा, पूरा सिलेबस ऐसा कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बहुत अच्छे टीचर्स ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आने वाली हूँ। पर बच्चों, अगर तुम्हारे बायो में 300, 310, 260, 270 आ गए तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारे 22 में रैंक आएगा। पर अगर तुम्हारे बायो में 360 आ गए और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम भी हो गए तो भी तुम्हारा चांस है। यस और नो? यस और नो? यस, ये बात सच है कि झूठ है बता दो बेटा। अगर तुम्हारा बायो में 360 आ गया तो 560 लाना मुश्किल नहीं है, 100-100 नंबर आ जाएंगे, रैंक आने का चांस है। यस, पर अगर बायो में ही काम तमाम हो गया तो रैंक नहीं आएगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, 4 महीने में 360 आएंगे इस सीरीज से। एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनवा दूंगी, एनसीईआरटी रटवा दूंगी, फ्री में पढ़ा रही हूं, बिल्कुल फ्री में, विदाउट 1 पैसा। डन, 360 चाहिए बस, आ जाएंगे, आ जाएंगे, हम लेकर आएंगे ना, साथ में करेंगे। डन, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस सीरीज से? कितने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस सीरीज से? रेज योर हैंड्स एंड से यस मैम। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? यस, 3 बार एनसीईआरटी करवा दूंगी यार, एग्जाम से पहले 50,000 क्वेश्चन करवा दूंगी, काहे को टेंशन ले रहे हो? सब कुछ करवा दूंगी मैं, टेंशन नॉट। डन, कहीं जाना नहीं है, कहीं एक पैसा देना नहीं है, किसी को एक पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं करना। एक फूटी कौड़ी किसी टीचर को नहीं देनी, किसी इंस्टीट्यूट को नहीं देनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ वानी मैम की क्लास लगानी है बायोटॉनिक में, खत्म। डन, एक फूटी कौड़ी नहीं देनी किसी टीचर को, मैं बता रही हूं। डन, कहीं एक पैसा नहीं खर्चना। मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगी, एमसीक्यू मैं करवाऊंगी, एनसीईआरटी मैं करवाऊंगी, सब कुछ मैं यहां पे करवाऊंगी। डन, बट फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, अपने आप सोच लो, देख लो। बाकी 360 लाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे 2023 में मैं लेकर आऊंगी 360 बटा 360। इधर आना है रोज शाम को 7 बजे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। डन, इज इट क्लियर? कर लोगे तुम लोग, मुझे पूरा पता है तुम लोग कर लोगे, अपने आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। इज दैट क्लियर? चलो जी, आ जाओ। मेरे गले में बड़ी दर्द हो रही थी, मुझे अर्जेंट थोड़ी सी चाय की जरूरत थी। आइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आते हैं, ठीक है जी? आ जाइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पे आ रहे हैं हम? एक्वायर्ड, हमने एक्वायर की इम्यूनिटी। एक्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे कहीं से मिली है, कहीं से मिला है बेटा। जो भी चीज आपको कहीं से मिलती है, आपको बाहर से पत्थर मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला है, आपको पता होता ही है ये कहीं, ये आपको जो चीज हासिल हुई, आपने जो ली, उसका नाम दे सकते हो ना। मुझे आज मैं वॉक करने गई थी, मुझे पत्थर मिला, आज मैं वॉक करने गई थी, मुझे सोना मिला, आज मैं वॉक करने गई थी, मुझे चांदी मिली, आज मैं वॉक करने गई थी, मैंने ये देखा, आज मैं वॉक करने गई थी, मैंने वो देखा। यस और नो? कैन यू गिव अ नेम टू इट? तो जब भी आप किसी चीज को नाम दे सकते हो, इज इट स्पेसिफिक? बस मुझे इतना बता दो, क्या ये स्पेसिफिक है? आप लाए हो ना, आप खरीद के लाए हो। मैं कल बाजार गई थी, मुझे स्वेटर बड़ा अच्छा लगा, मैं लेकर आई। आप कुछ चीज है ना, तो ये बेटा पैथोजन स्पेसिफिक होती है। अगर आपको कोरोना हुआ है, आर यू इम्यून टू एड्स? बता दो, आपको कोरोना होके हटा है नुपुर, आर यू इम्यून टू एड्स? आर यू इम्यून टू कॉलरा? आर यू इम्यून टू अमीबियासिस? यस, आर यू इम्यून टू अमीबियासिस? मान लो किसी को नहीं, इट इज स्पेसिफिक। किसी को कोरोना हुआ है तो भैया वो कोरोना के लिए इम्यूनिटी है। अगर आपने डीपीटी लिया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है डीपीटी, आपको क्या टेटनस के लिए इम्यूनिटी मिल गई? Yes, आपको पर्टुसिस के लिए इम्यूनिटी मिल गई है, पर क्या आपको एड्स के लिए इम्यूनिटी मिल गई? नहीं।
बीपीटी आपको इम्यूनिटी तीन चीजों के लिए देगा, इट इज स्पेसिफिक। नंबर टू, जो भी चीज आपने ली आपको याद रहेगा, ये वर्ड्स याद रखो, मैं एक एक चीज समझाऊंगी, इसकी मेमोरी होती है। अब मेमोरी को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो मेमोरी वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप पहली बार किसी को मिले हो, आप उसको देखते हो, हेलो जी, नमस्ते जी, कहाँ से हो जी, अरे आप बरनाले से हो, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, अरे आप कहाँ से हो, अरे मैं चंडीगढ़ से हूँ, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, आप कहाँ से हो, अरे मैं तो कपूरथले से हूँ, अच्छा बढ़िया, कैसे हो और क्या चल रहा है, सब बढ़िया, हाँ आप कहाँ पढ़ रहे हो, अरे वो एक टीचर है हमारे गाँव में, हम उनसे पढ़ते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, अरे हमारे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा हो गया था, हम कोटा भेज रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, जी हमारे पास भी पैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया था जी, हमने दिल्ली भेज दिया अपने बच्चे को, बड़ा दुखी है जी हमारा बच्चा, सब बातें करेंगे ठीक है। फिर काउंसलिंग का टाइम आ गया जी, काउंसलिंग में मिले, अरे बरनाला वाले भाई साहब कैसे हैं आप, अरे वो हमारे साथ कोई दूसरा बच्चा भी था ना, सोच रहे हैं उसका नाम क्या था, फिर वो सामने से आता हुआ दिखाई देता है, अरे हाँ, अरे वो क्या, तो आपको नाम कई बार याद नहीं आएगा पर आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, यार इसको वहां देखा था, ये ऐसा था, फिर मिलोगे, फिर एक दो बार दोबारा बात करोगे, फिर याद आएगा, अरे हाँ यस। तो धीरे, तो बेटा जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो, जब भी आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो, आपको जानने पहचानने में टाइम लगता है। आप उसका नाम पूछोगे, पता पूछोगे, आप कुछ सोचोगे, अच्छा इसका नाम क्या है जी, अच्छा ये तो ऐसा दिखता है, ये है वो है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको जानने पहचानने में, इन सब करने में। हाँ मैम, थोड़ा टाइम तो लगता है, फर्स्ट टाइम आप किसी को मिले हो, अच्छा ठीक है, फर्स्ट टाइम में हमेशा थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप उसको देखते हो, फिर आप देखते हो ये दिखता कैसा है, ये लंबा कितना है, ये छोटा कितना है, ये चौड़ा कितना है, आप थोड़ा टाइम लगाते हो ना, आपको, आप उसको देखते हो, अच्छा ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आपको थोड़ा टाइम लगता है। लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है मैम, टाइम तो लगता है हमें, है ना। फिर आप उसका नेम पूछते हो, तुम कहाँ से हो जी, तुम्हारा काम क्या है, ये वो करते हो, फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपको एक दो बार लगते हैं, फिर आप कहते हो जी ठीक है, अब मैं आपको जान गया हूँ, अब मैं आप, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी, अब मैं आपको पहचान चुका हूँ, मैं आपको जान चुका हूँ। तो पहली बार आपको टाइम लगा, जब आप उसको सेकंड टाइम मिलोगे, जब आप उनको सेकंड टाइम मिलोगे, फिर आप इमिडिएटली उनको क्या कर लोगे, रिकॉग्नाइज, फिर तो आप ऐसे लॉस्ट चड्डी बड्डी की तरह, अरे कैसा है, हाय ब्रो करोगे, यस मैं तो एकदम पहचान लिया, आप क्या करोगे, हेलो ब्रो, हाय ब्रो, राइट। मेमोरी भी ऐसी होती है, मान लो ये छुप के आपकी बॉडी का एक सेल बैठा है, बी सेल, बी सेल ऐसे छुप के बैठा है, ये आ गया वायरस, गंदा सा वायरस आ गया, अब बी सेल यहां छुप के देख रहा है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ये हा, इसको देख रहा है, यार ये तो बहुत डेंजरस वायरस है, इसको ऑब्जर्व करेगा, ये कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सबको देखेगा, इसको देखने में इसका कम से कम 1 वीक लग जाएगा, 1 वीक तक देखेगा, फिर धीरे धीरे इसको इसको समझ आएगा, अच्छा ये ऐसा वायरस है, इसकी ऐसी शेप है, शेप देखेगा, उसकी साइज देखेगा, सब कुछ करेगा, फिर धीरे 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 इसके शेप का एंटीबॉडी बनाएगा। इट इज समथिंग, आप टेलर के पास गए, आपने टेलर को जाकर मान लो सलमान खान के कपड़े दिखाए, मुझे ऐसा ही कोट चाहिए, फिर आप गए दुकान पे, फिर आपने कपड़ा खरीदा, फिर आप टेलर के पास गए, ऐसा होना मांगता है, ऐसा चाहिए फिटिंग, ऐसा चाहिए, फिर टेलर ने एक हफ्ता लिया बनाया, तो ये बी सेल क्या है, आपका टेलर है, राइट ये देखेगा, नाप लेगा, मेजर करेगा, फिर फाइनली आपके लिए कुछ बनाकर तैयार करेगा, ये सब करने में टाइम लगेगा। और ये कीड़ा क्या है, ये सलमान खान का कोट है, ये सलमान खान का कोट है, ये कोट आपको ऐसा का ऐसा चाहिए, आपने उसकी कोई लेटेस्ट मूवी देखी, आपको यार बिग बॉस देख रहे हो, बिग बॉस में उसने कोट पहना था, बड़ा कूल लग रहा था, आपने सोचा मैं भी जब एम्स में जाऊंगा ना, पहले दिन मैं कोट पहन के मैं ही घूमूंगी, बस यस लड़कियों ने सोचा, वो कौन है आजकल बहुत चल रही, शहनाज हुसैन, नहीं शहनाज गिल, मैं तो शहनाज गिल टाइप के कपड़े पहनूंगी, लड़कों ने सोचा भैया हम तो सलमान खान टाइप स्वैग मारेंगे, कोट बनवाएंगे, चलो। तो टेलर को एक हफ्ते का टाइम लगेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, आपका शेप साइज लेगा, सिलेगा, पूरा बनाएगा, दैट विल टेक टाइम। तो ये एंटीबॉडी बनेगी इसको मारने के लिए, और इसको टाइम लगेगा।
अब आप उसी टेलर के पास सेकेंड टाइम गए, अब मान लो आप MBBS थर्ड ईयर में हो गए, कोई पार्टी आती है आपके कॉलेज में, आपको लगता है आज तो भाई तेरा भाई चमकेगा एकदम, तेरा भाई ही कॉलेज में स्टाइल मारेगा, राइट? आप उस टेलर को फोन करते हो, टेलर आपको पहचान गया है, पूरे शहर में आपका नाम हो गया, आपके पोस्टर लग गए बड़े बड़े, ये मनाली राज MBBS रैंक 1 एम्स दिल्ली, आप फोन करते हो, तेरा भाई बोल रहा है, तेरा भाई बोल रहा है, क्या हो गया भाई? अरे मैं वही हूँ, मैं, अरे डॉक्टर साहब आपको कैसे नहीं जानेंगे, डॉक्टर साहब बताइए क्या कर, अरे आपने मेरा 2 साल पहले कोट बनाया था ना, बस मेरी थोड़ी कमर बड़ी हो गई है 2 इंच से, वैसा कोट बना दीजिए सेम टू सेम टेलर। अरे डॉक्टर साहब, टेलर को ही पता है 2-3 साल बाद घुटने खराब हो जाएंगे तो डॉक्टर साहब से फ्री में दवाई लेंगे, तो अरे क्या बात कर दी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास भिजवा दूँ, नहीं मैं आ जाऊँगा शाम को, नहीं, डॉक्टर साहब लड़का आपके पास डिलीवर करेगा। यस, आपने भी पूरा एम्स का एकदम अपना बांध दिया कि मैं ही मैं हूँ एम्स दिल्ली में, ये नहीं पता वहाँ 50,000 डॉक्टर हैं। यस एवरीबडी, तो टेलर आपका होम डिलीवरी कर देगा, क्योंकि भैया टेलर के पास तो आपकी मेजरमेंट रेडी है ना, टेलर को पता है ये कौन है, आपकी मेजरमेंट वगैरह सब कुछ रेडी है, क्योंकि अब तो भैया आप बहुत फेमस हो चुके हो। ये होता है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब उसने आपको देख लिया है, पहचान लिया है। यस, तो ये है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब पहली बार आप उसके पास गए हो प्रिपरेशन के टाइम में, राइट? जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे गए हो तो भैया आप प्राइमरी हो, अगर आप प्रिपरेशन के टाइम अभी कोटा में जाओगे तो आप प्राइमरी हो, जब आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपका रैंक रूंक आ गया, तो भैया वो आपकी रथ की सवारी कर देंगे। मैंने देखा बच्चों को बिठा के हार वूर पहना देते हैं, जैसे बच्चों ने एग्जाम नहीं क्लियर किया होता, स्वयंवर जीता होता है, मैं तो हंसी निकल गई। एक दिन मैंने देखा पता नहीं कौन से रथ की सवारी करवा रहे हैं, ऐसे बिठाए हुए, मैंने कहा बच्चे ने कोई धनुष वनुष तोड़ दिया, बच्चे ने कोई भाई स्वयंवर जीत लिया, एग्जाम प्रिपेयर किया, किताब विताब दो बच्चे को, बच्चा जैसा रहने दो, बच्चे को ऐसे पों 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 से हार वूर पहना दिए। यस, बच्चा सोच रहा भाई मुझे आज कौन बनेगा करोड़पति ले जा रहे हैं। डन एवरीबडी, दैट इज प्राइमरी। समझ आया कि नहीं आया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जब पहली बार आप कुछ करने लगते हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको टाइम लगता है। सिमिलरली बी सेल पहली बार उसको ऑब्जर्व करेगा, इसकी शेप कैसी है यार देखो, इसका साइज देखो, और एंटीबॉडी बनाएगा, ऐसी एंटीबॉडी बनाने में उसको टाइम लगेगा, उसको प्राइमरी कहते हैं। जब सेकेंड टाइम वो सेम एंटीजन आएगा, आप उसी टेलर के पास सेम कोट बनवाने जा रहे हो, भूलो मत, इस बार अगर आपका मन करेगा मैं शरारा पहन लूं तो टेलर नहीं बना पाएगा, आप सेम टेलर के पास जा रहे हो, राइट? और सेम कोट बनवाना है आपको। अब आपका मन करेगा भैया मैं एम्स पहुंच चुका हूं, मैं शरारा पहन लूं, तो भैया टेलर नहीं शरारा बना पाएगा। सेम एंटीजन जब दोबारा आएगा तो भैया टेलर को याद था ना, उसने कोट बनाया था आपका। सिमिलरली बी सेल को याद होगा उसने एंटीबॉडी बनाई थी, बी सेल के पास क्या रहेगी? मेमोरी। और सेम एंटीजन आएगा तो बी सेल जल्दी 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 क्या प्रोड्यूस कर देगा? एंटीबॉडी। टेलर ने क्या बोला आपको? टेलर ने क्या बोला? टेलर ने बोला भैया मैं आपके आपके सर आपके डॉक्टर साहब आपके कमरे तक पहुंचा देंगे शाम को कोट, हमारा कारीगर आ जाएगा पहुंचा देगा। जो जब सेम एंटीजन आएगा तो बी सेल के पास मेमोरी रही, आप सेम टेलर को फोन करोगे भैया मुझे वैसा ही सलमान खान टाइप का कोट चाहिए, उसके पास मेजरमेंट है, वो फटाफट आपकी होम डिलीवरी कर देगा, उसको याद है। आप उसको बोलोगे पिछली बार तो मैंने कोट बनाया था, अब मैं लहंगा पहनूंगा, हाँ एम्स में मौसम बदल गया है, फैशन बदल गया है, पिछली बार मैं कोट पहने थे, इस बार मेरा लहंगा पहनने का मन है। टेलर ही बोलेगा भाई डॉक्टर पागल हो गया है, चमका बोलेगा पागल डॉक्टर है क्या कह रहा है, पिछली बार तो कोट पहना था, इस बार लहंगा पहन रहा है। समझ आया? डन। इट हैज टू बी द सेम एंटीजन, इट हैज टू बी द सेम एंटीजन, एंड द बी सेल विल रिमेंबर इट एंड विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ स्ट्रक्चर, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर? प्राइमरी में हमेशा टाइम लगता है, आप देखते हो आपका नाप लेगा, आपका लेंथ विड्थ, छाती का नाप, चेस्ट का नाप, पेट का नाप, पीठ का नाप, राइट? ये
पूरा नाप लेगा, बाजू का नाप, फिर कोट बनाएगा। अगली बार वो आपको जानते हैं, आप उससे 50 पैंट सिलवा चुके हो, अपने एप्रन सिलवा चुके हो, सब कुछ करवा चुके हो, वो जानता है भैया ये बच्चा एम्स में पढ़ाई कर रहा है, होनहार बच्चा है, अच्छा बच्चा, उसको पता है कि यार ये बच्चा मेरे कल को घुटने का ऑपरेशन कर देगा, वो जानता है आपको, अब फटाफट आपके लिए कोट बना के भेजेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? डन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा ज्यादा इंटेंस होगा, जल्दी होगा, इंटेंस होगा। एनसीईआरटी अभी मार्क करवाती हूँ आपको। समझ आ गया? सारे बच्चों को समझ आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कराती हूँ, फिर सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कराऊंगी, ठीक है जी? लाइट और हैवी चेन सब कुछ करवाती हूँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी करवाती हूँ, ठीक है जी? स्ट्रक्चर कैसी होती है ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं प्योर एनसीईआरटी डायग्राम आपके लिए हैंडमेड बनाने की कोशिश करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे चाहिए कि मेरा A to Z सारा बच्चा क्लास में ध्यान दे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आने का पूरा पूरा चांस है। देखो बेटा, जो भी आपकी एंटीबॉडी होती है ना बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा, उस एंटीबॉडी के पास सबसे पहले तो दो आर्म्स होती हैं। कितनी आर्म्स होती हैं आपकी एंटीबॉडी के पास, याद रखना पड़ेगा आपको, दो आर्म्स होती हैं, राइट? हमेशा आपकी एंटीबॉडी के पास दो आर्म्स होती हैं। इज दैट क्लियर? एक आर्म अंदर की तरफ होती है और लंबी होती है, और दूसरी आर्म बाहर की तरफ होती है और छोटी होती है। तो एक आर्म आपको अंदर की तरफ बनानी होती है और एक आर्म आपको बाहर की तरफ बनानी होती है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, अब ये एक आर्म है, आपको दिख रहा है, ये काफी लंबी आर्म है, ऊपर से थोड़ी ऑरेंज, नीचे से ऑरेंज है, ऊपर से ब्लू है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी लंबी आर्म है। इज दैट क्लियर? अब एक आर्म हम बाहर की तरफ बना देते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है, इसमें थोड़ा आधा रेड कर देते हैं हम, ये हमने आम बाहर की तरफ बना दी है। हम यहां भी आम बना देते हैं, आधी हम रेड बना देते हैं ऐसे ऐसे, आधी हम येलो, लगभग ऐसा ही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है। इज दैट क्लियर? बीच बीच में आपको पता है प्रोटीन है, और आपको पता होना चाहिए प्रोटीन में मिथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, तो बीच बीच में आपको पता है यहां यहां पर सल्फर के बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ऐसे बना दो आप बॉन्ड्स, बना दो बॉन्ड्स, बनाने के लिए यहां यहां पर भी आपको बॉन्ड्स बने नजर आएंगे, यहां भी आपको बॉन्ड्स, हो सकता है यहां पर भी आपको बॉन्ड्स बने नजर आए। अब बच्चों, ये जो चीज मैंने बनाई है इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं बच्चों? एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वो जगह है जहां एंटीजन आता है। बच्चों हर बार एंटीजन अलग है, करोड़ों तरह के एंटीजन बाजार में पाए जाते हैं, बाहर हजारों करोड़ों तरह के एंटीजन हैं। कभी वायरस आ गया, कभी बैक्टीरिया आ गया, कभी कॉलरा आ गया, कभी टाइफॉइड आ गया, कभी सैल्मोनेला टाइफी आ गया, कभी डिप्थीरिया आ गया, कभी टेटनस आ गया, कभी आपका लेप्रसी आ गया, कभी ट्यूबरकुलोसिस आ गया, हजारों करोड़ों तरह के एंटीजन हैं। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट चेंज होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, स्टेबल नहीं रहती। जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। बच्चों आपके हजारों लोगों के साथ रिलेशनशिप है, आपके माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अलग है, आपके बहन भाई के साथ रिलेशनशिप अलग है, आपके रिलेटिव्स में कुछ आपके दिल के पास है, मामा मासी चाचा चाची ताया ताई, कुछ आपको ताने देते हैं, आपको एक फूटी आंख नहीं भाते हैं, कुछ आपको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ टीचर्स आपके दिल के करीब हैं, कुछ टीचर्स की शक्ल आपको बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि वो आपकी सारी बातें आपके मम्मी पापा को बताते हैं। हर एक तरह, सिमिलरली, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी, जैसा आपका बर्ताव वैसी दुनिया आपकी तरफ देख। ये बहुत ज्यादा वेरिएबल रीजन होता है, हर बार बदलता रहता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ये बाहर वाली जो चेन है ये आपको दिख रही है स्मॉल चेन है, क्योंकि ये बाहर वाली चेन स्मॉल चेन है ना बच्चों, इसीलिए ये लाइट चेन है। बच्चों ये अंदर वाली चेन आपको लॉन्ग दिख रही है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है बच्चों, इसीलिए ये हैवी चेन है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? क्या
क्या इनके पास टोटल फोर पेप्टाइड चेन्स हैं? आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। यस एवरीबॉडी, उनमें से दो स्मॉल हैं जिनको आपने लाइट कह दिया है और दो बड़ी हैं जिनको आपने हैवी कह दिया है। एम आई राइट? दो स्मॉल हैं जिनको आपने लाइट कह दिया है और बच्चों दो हैवी हैं, दो बिग हैं जिनको आपने हैवी कह दिया है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों क्या इसको H2 हैवी दो L2 कह सकते हैं? और बीच बीच में बच्चों डाई सल्फाइड के ब्रिजेस हैं, ब्रिज बना हुआ है सल्फर सल्फर का बेटा, और ये एंटीबॉडी इस तरह की होती है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये हिलता रहता है, इसको हम हिंज कहते हैं, इस पॉइंट को हम हिंज कहते हैं। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? बता दो यस मैम। यहां तक कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंटीबॉडी सिक्रीट करना एक स्पेशल सेल का काम होता है जिसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट आपके लिए एंटीबॉडी सिक्रीट करता है और इस इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ये दो तरह के रिस्पॉन्स में से एक तरह का रिस्पॉन्स है जिसमें हम एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। समझ आ गया? इज दैट क्लियर मेरे चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी गैंगस्टर? सारे बच्चों को समझ आ रहा है? एवरीबडी वन लाइक ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं मेरे बच्चों, ये एंटीबॉडीज अलग अलग टाइप की होती हैं। एक एंटीबॉडी हमेशा सेलाइवा में निकलती है। इस एंटीबॉडी को जो हमेशा सेलाइवा में निकलते हैं हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है IgA। एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम मिलियनेयर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है आउट ऑफ NCERT, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम मिलियनेयर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, इसका नाम होता है IgM। क्लास के एंड में इसके बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी। एक और एंटीबॉडी होती है जो एलर्जी के अंदर इंक्रीज, अगर किसी को खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका नाम होता है IgE। एक और एंटीबॉडी होती है जो मदर अपने बच्चे को देती है, इसका नाम होता है IgG। कोई डाउट मुझसे पूछ लो, कोई डाउट, कोई डाउट। इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन? एंड गाइस वन ब्यूटिफुल लाइक ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, लव तिवारी। डन एवरीबॉडी? यस, पक्का? अब मैं आपको करवाने वाली हूं, अब मैं आपको करवाने वाली हूं साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी। क्या करवाने वाली हूं आपको? साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? डन? ह्यूमोरल इम्यून हो गया। अब हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करने वाले हैं। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स करने वाले हैं हम? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी? हिंज क्या है ना, ये ऐसा ऊपर की जगह ऐसी होती है जहां पर एंटीबॉडी मूव करती रहती है। जहां से एंटीबॉडी मूव करती रहे उसको हम हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? हिंज। इज दैट क्लियर एवरीवन? वी कॉल इट द हिंज। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक बार मैं आपको एनसीईआरटी करवाना चाहती हूँ। आ जाइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे अब आप मुझे बताइए, मैं ब्लू पेन से मार्क करती हूँ। चलिए, दिखाई दे रहा है आप सबको? एवरीबडी कैन सी इट? डन? देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब वो फर्स्ट इनकाउंटर करती है, फर्स्ट टाइम, यस एवरीबडी, फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, देख लीजिए। जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करेगी तो उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। बाद में सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, मैंने क्या बोला भैया? आपने उसको टेलर को बोलना है, भैया मुझे कोट ही सिलवाना है, राइट?
मिलीनियर मॉलिक्यूल जब सबसे बड़ा कुछ पकड़ना होता है तो आईजीएम आता है। मुझे कोर्टिस आना, सेम पैथोजन, मुझे सेम पैथोजन है, मुझे सेम कोर्ट सिलवाना है, अलग कोर्ट। तो भैया इंटेंसिफाइड जल्दी जल्दी काम करके देगा ना। सेकेंडरी इम्यूनिटी, इसको हम एमनिस्टिक भी कहते हैं, उसको मेमोरी हो गई ना, एनामनिस्टिक, एनामनिस्टिक, उसको मेमोरी हो गई। जब उसको मेमोरी हो गई उसको हम एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स करा दिए, टी कराना है अभी ऑब्वियसली, बी करा दिया। बी क्या प्रोड्यूस करता है आपके लिए? एंटीबॉडीज। बी क्या प्रोड्यूस करता है आपके लिए? एंटीबॉडीज, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। वो आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या है आपके लिए? एंटीबॉडीज है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इट इज द एंटीबॉडीज, अंडरस्टूड? अब एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो मैंने आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट कराया, मैंने आपको लेफ्ट चेन कराया, लाइट चेन कराया, हैवी चेन कराया, करेक्ट एवरीबॉडी? ये दोनों चीजें मैंने आपको करवाई, लाइट चेन, हैवी चेन, राइट? ये दोनों चीजें कराई। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये एंटीबॉडी को H2L2 कहते हैं, मैंने आप लोगों को करवाया, राइट? डन। ये देखिए, करेक्ट एवरीबॉडी? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं, और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कराया, राइट? एनी डाउट्स? अब हम बढ़ेंगे आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे। किस पे बढ़ने वाले हैं अभी हम? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे। इज दैट क्लियर? कैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? अब बेटा कई बच्चे पूछ रहे हैं आईजीएम क्या करता है। बेटा देखो, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है आईजीएम, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। मान लो इंडिया पर, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो, इंडिया पर अटैक हो जाता है कोई बहुत बड़ा, तो इंडिया अपनी सबसे बड़ी मिसाइल को लॉन्च करेगी ना। दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, मान लो इंडिया क्या अग्नि मिसाइल लॉन्च कर देगी? दो लोगों में लड़ाई हो गई, इंडिया ने अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दी कि दो लोगों में लड़ाई होगी, चलो जी अग्नि मिसाइल फायर कर दी जाए। दो लोगों में लड़ाई होगी, इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर देगी, है? दो बच्चे लड़ाई करने लग गए, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी। भैया बाहर का देश, कोई बहुत बड़ा देश हम पे अटैक करेगा, कुछ बड़ा होगा, तब तो हम इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल फायर करेंगे ना, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसे छोटे मोटे काम में तो नहीं फायर करेंगे। तो सिमिलरली जब कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, कोई बहुत बड़ी चीज आ गई, तो हम आईजीएम निकालेंगे। अब बात चली ही है तो क्यों ना तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए। ये देखो, एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम, पांच आम, कितनी आम दिख गई? आम वन, आम टू, आम थ्री, आम फोर, आम फाइव, पांच आम दिख गई। एक पे कितनी एंटीजन लग सकते हैं? एंटीजन, 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 एंटी, ये एंटीजन है, गिनो, 5 × 2 कितने एंटीजन लग गए? ये आईजीएम है। तो एक आईजीएम कितने पे भारी? इट इज, दैट इज वाई कॉल्ड एम, बड़ा है, मिलियनेयर मॉलिक्यूल। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स लाइक अ बैलिस्टिक मिसाइल, सब पे भारी, एक आईजीएम। समझ में आया? बाकी सारी मिसाइल छोटी होती है, आपको पता है, ये एम्स का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एम्स एमसीक्यू, यस, डन एवरीवन। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तुम सबका, हम कर लेंगे, बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी एबल टू डू इट। एवरीबॉडी, यू फील दैट यू विल बी एबल टू डू वेल, क्लियर हो? यस, आई प्रॉमिस यू गाइस, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत इजीली तुम लोग पूरा बायो आराम से कर पाओगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। यस, तुम्हारे आराम से 360 on 360 आ जाएंगे। तुम बस जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ, नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते चलो। चलो अब आते हैं हम साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी पे। किस पे आते हैं जी हम? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपकी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की है, राइट? एक है आपकी बी सेल। अब ये भी मैं बड़े प्यार से आपको समझाती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक है आपका जी बी सेल, बी लिम्फोसाइट।
तो ये बी लिम्फोसाइट ने क्या बना दिया? एंटीबॉडी। और एक है आपका टी लिम्फोसाइट। अब ये समझाती हूँ, बहुत अमेजिंग है, समझो इसको। इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी समझा दो, पहले समझ लो फिर इसको मैं लिख के कराती। देखो बेटा, अगर कहीं लड़ाई हुई, दो तरह के लोग होते हैं। अगर कहीं लड़ाई हुई, बड़े आराम से, यस वी विल डू इट ऑल ऑफ अस, जितने बच्चे इस बैच के हैं, माई लव माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, और तुम लोग मेहनत कर रहे हो, बस एक तुम्हारी मेहनत और दूसरी तुम्हारे टीचर की दुआएं, और तुम्हें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। यस तुम्हारा इस बार एग्जाम में 360/360 आना निश्चित है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कुछ लोग होते हैं ना, कहीं लड़ाई हो गई, दूर कहीं लड़ाई लग गई, कुछ लोग हैं वो डर जाएंगे और ऐसे दूर से देखेंगे क्या हो गया, दूर से एक पत्थर पत्थर फेंक देंगे पर डर के बैठ गए। वो होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, कम भी नहीं, बहुत ज्यादा डरपोक होता है। खुद नहीं लड़ता, एंटीबॉडी को आगे भेज देता है, तू जा तू लड़। दूसरों की, दूसरों, कई लोग होते हैं ना पीछे, दूसरों से, दूसरों के कंधे से गोली मारते हैं, ए तू जाके बोल के आना, ए तू करके आना, ए तू करना। देखे होते हैं ऐसे आपकी क्लास में, स्कूल में फ्रेंड्स हैं ऐसे दूसरों के कंधे से फायर करने वाले? बता दो, सबने देखे यार वो ना ऐसे, ये टीचर तो कुछ पढ़ाती नहीं यार, तुम मैम ऐसे हो, तुम बुरे बन जाओगे। एंटीबॉडी बेचारी बुरी बन जाती है, आगे जाके लड़ना लग जाती। होते हैं ना ऐसे लोग, यार वो तो उस कोचिंग में तो ऐसा हो रहा है, हमारे सर तो कुछ करा ही नहीं रहे यार, उस कोचिंग में तो ऐसा हो रहा है, तुम जाके लड़ने लग जाओगे। सर उस कोचिंग में किसने बोला? वो चुप हो जाएंगे पीछे, वो ऐसे एकदम। होते हैं ना ऐसे लोग, बड़े स्मार्ट होते हैं, एंटीबॉडी को आगे कर देगा, बी लिम्फोसाइट पीछे हो जाएगा। ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये होता है फाइटर, रियल फाइटर। ये होता है बिल्कुल फियरलेस, कहता है मैं नहीं डरता किसी के बाप से भी। इसका एटीट्यूड ही ऐसा होता है एकदम ऐसे, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ये पता है क्या करता है ये टी लिम्फोसाइट? ये बोलता है तेरा भाई लड़ेगा। क्या बोलता है ये? मैं नहीं डरूंगा। ये क्या बोलता है? तेरा भाई आगे जाके लड़ेगा। और ये फाइट करता है सेल्फ। दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहलाता है ये? सेल में कहता है मैं नहीं डरता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। इज दैट क्लियर? खुद जाकर लड़ता है, टी लिम्फोसाइट खुद जाकर लड़ता है, खुद जाकर। इज दैट क्लियर? कोई एंटीबॉडी नहीं करता, कुछ नहीं करता, कहता मैं जाके खुद लड़ूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा। दैट इज अ टी लिम्फोसाइट। इज दैट क्लियर? अब टी लिम्फोसाइट जब लड़ता है, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? अब ये गर्म दिमाग का है, याद रखना ये सारी जो निमोनिक्स मैं बता रहा हूं ना, याद रखना, ये टी लिम्फोसाइट खुद जाके लड़ता है तो इसका दिमाग कैसा है? गर्म दिमाग है इसका, सड़ जाएगा, अड़ जाएगा। तो बेटा जब आप कोई ट्रांसप्लांटेशन करते हो ना, ट्रांसप्लांटेशन वो तो बॉडी के अच्छे के लिए ही है ना कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, मान लो लंग का हुआ, लिवर का हुआ, किडनी का हुआ, ये टी लिम्फोसाइट जाएगा और लड़ने लग जाएगा, गर्म दिमाग का है ना, इनको क्या कर देगा? रिजेक्ट। अरे झूठे, तुम तो हमारे हो ही नहीं। ये टी लिम्फोसाइट करता है, इसको साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी कहते हैं। कौन सी इम्यूनिटी? साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी। खुद जाकर लड़ने लग जाएगा, बी सेल नहीं बीच में पड़ेगा, क्योंकि बी सेल तो डरपोक है, वो तो कोने में बैठ जाएगा, मुझे तो डर लग रहा है। ये टी सेल है आवारा, शैतान, घूमने वाला, इसका दिमाग खराब है, गर्म दिमाग का है, जाके लड़ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इसीलिए साइक्लोस्पोरिन देनी पड़ेगी, इम्यून सप्रेसेंट देना पड़ेगा ये, क्योंकि उनसे जाकर लड़ जाएगा। इसीलिए यस
इम्यून सप्रेसेंट, तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी का वर्ड है, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करवाता है भैया, लड़ जाएगा ये, बहुत लड़ाकू है। ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन कराता है? साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी, इज दैट क्लियर? ये फियरलेस है। अब थोड़ा इसको एनसीईआरटी से कराती हूँ, फिर आती हूँ जी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पे। ये देखो राइट, जब ये आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन, ट्रांसप्लांटेशन चाहिए होता है, डोनर होता है, हम ब्लड ब्लड तो मैच करते हैं, बट टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग के बाद भी इम्यून सप्रेसेंट क्यों लेने पड़ते हैं? क्यों बॉडी को साइक्लोस्पोरिन लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं? क्योंकि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ लड़ जाएगा। अरे तू तो मेरा पार्टी में ग्राफ्ट रिजेक्शन करवा देगा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करवाएगा, ग्राफ्ट को रिजेक्ट करवाएगा। समझ आ गया? आ गया समझ में? साइक्लोस्पोरिन फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, परफेक्टो, जिलेटो, विलेटो, इज दैट क्लियर? अब एक प्यार भरा लाइक कर दो, एक्टिव पैसिव करवा दो, चुन्नू मुन्नू मेरे प्यारे, टुन्नू पुन्नू मेरे सुंदर सुंदर, यस करवा दो सब कुछ। गाइस पढ़ना, पढ़ा तो तुम्हारे लिए रही हूँ मैं, तो एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम तो तुम्हारा ही होना है, तो पढ़ा देते हैं। क्या कहते हो, आज की क्लास कैसी लग रही है ना? अमेजिंग, पढ़ा दो थोड़ा सा गाइस। यस एग्जाम तो क्योंकि तुम्हारा ही होना है, और फिर ये एलर्जी से ऑटो इम्यूनिटी करवा देती हूँ, बाकी तो यार थोड़ा सा ही बचा है, कल करवा दूंगी, उसके बाद तो बस कुछ नहीं है। कैंसर और ड्रग्स है वो मैं कल खत्म करा दूंगी, कोई टेंशन ही नहीं है, 3 दिन में चैप्टर खत्म, चक दे फट्टे बल्ले बल्ले, डन डनाडन कर ले आज। क्योंकि आज की क्लास तो यार थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाली क्लास थी, कल की क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं है ज्यादा, ड्रग्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना? यस एवरीबडी, चलो जी एक्टिव पैसिव करवा देती हूँ, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करवा देती हूँ आप सबको। चलिए मेरे चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी गैंगस्टर, ये नोट्स आज मैं पक्का भेज दूंगी, मेरे को सुबह से टाइम ही नहीं मिला यार, मैं बहुत बिजी थी आज, तुम लोग के लिए बहुत काम कर रही थी, कल से एकदम बायोटॉनिक का रीबर्थ होने वाला है, अमेजिंग तरह से काम आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो फिर टुन्नी मुन्नी चुन्नी पुन्नी गैंगस्टर्स, लेट अस रॉक, लेट अस रॉक, डन है जी। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, कंटिन्यू कर ले। देखो बेटा अब कुछ चीज़ होती है बेटा एक्टिव पैसिव। देखो बेटा एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है जब आप खुद कुछ कर रहे हो, जब आप खुद कुछ करते हो तो उसको एक्टिव बोलते हैं, आप खुद कुछ काम कर रहे हो, राइट एवरीबडी? अच्छा एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं, बड़ी मजेदार, आपने कई एक्टर्स को देखा है यार, वो ना बड़े डरपोक होते हैं एक्टर्स, मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कई बार, बड़े डर, वो बॉडी डबल यूज करते हैं यार, उनसे स्टंट वंट नहीं किए जाते, स्टंट मैन बुलाते हैं, पीछे से एंगल शूट करते हैं, लगता है कि स्टंट कर रहे हैं, पर वो तो यार वो तो बड़े डरपोक होते हैं। यस इज दैट क्लियर एवरीबडी? शुएब खान आया है, वो कह रहे इस मैडम के टीथ देखो और हंस रहा है, क्या करूं बेटा पीले नहीं है, क्या करूं है तो सफेद, क्या करूं बेटा मेरे घर में टूथपेस्ट है, अब बेटा तेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं बच्चे। यस मेरे घर में तो है बेटा टूथपेस्ट, इसलिए चमक रहे हैं मेरे दांत बड़े बड़े, अब बेटा तेरे घर में नहीं है तो मैं क्या करूं, अभी टूथपेस्ट की डिलीवरी भी शुरू कर दूं क्या बायो पढ़ाने के अलावा, है ना? और मुझे कई बार लगता है यार इतने बेचारे ना, कई लोग ऐसे होते हैं ना एकदम बेचारे, मतलब सैड, उनकी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, आ जाते कहीं भी भूले भटके, रात के 8:30 9 बजे आके किसी के लेक्चर में उसके दांत पे कमेंट कर रहे हैं, भगवान थोड़ा मेरी लाइफ में काम कम करके इनको दे दो यार, इनकी लाइफ में काम ही नहीं है। यस थोड़ा तो, थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर दो भगवान। यस चलो, है ना, क्या करूं यार इनके, मेरे को बुरा लगता है जो लोग जॉबलेस होते हैं ना, जिनकी लाइफ में इतना समय है भाई, कैसन भगवान, कैसन भगवान हो तुम, हमार को तो तुमने इतना बिजी रखा, कई लोगों को इतना जॉबलेस बना दिया, अगले जन्म मेरे को लोगों के दांत पे कमेंट करने वाला ही बनाइयो, कोई तो मेरी लाइफ में भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, हे भगवान काश मेरी जिंदगी में इतना काम हो कि मैं रैंडम वीडियो देख के कैरी मिनाटी की दाढ़ी पे कमेंट करूं, सुन ले हे ईश्वर अगले जन्म मुझे इतना फ्री रखना कि मैं बियर बाइसेप्स की वीडियो पे जाके उसके सर पे कमेंट करूं, कि मैं कैरी मिनाटी के वीडियो पे जाके उसकी दाढ़ी पे कमेंट करूं कि वो कौन है वो,
पायलट व्लॉगर, उसके वीडियो पे जाके उसकी सुंदर परिवार पे कमेंट करूं कि मैं वानी मैम के वीडियो में आके उनके सुंदर दांतों पे कमेंट करूं, अगले जन्म मुझे इतना फ्री जरूर करना भगवान, इस जन्म तो तूने मुझे बहुत काम कराया रे भगवान। यस सो विला मैन, दिस इज लाइक हाइट्स ऑफ बीइंग जॉबलेस। आई हैव ब्लॉक्ड द चाइल्ड बट गॉड सुन ले मेरी, आई वॉन्ट टू बी जॉबलेस सो दैट आई गेट टाइम टू कमेंट ऑन पीपल्स वीडियोज। इट्स नॉट इवन सरकाज़म, लाइक पीपल कॉल मी सैवेज, इट्स नॉट सैवेज और सरकाज़म, इट्स लाइक द एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाउ जॉबलेस, लाइक हाउ जॉबलेस टू फील जेलस, टू फील इनसिक्योर। आई थिंक व्हाइल आई लुक एट बियर बाइसेप्स एंड आई लुक एट दैट गाय, व्हाट्स हिज नेम, गौरव तनेजा एंड हिज वाइफ, एंड आई एम लाइक वाओ, यू गेट इंस्पायर्ड टू डू मोर। आई लुक एट पीपल हु राइट बुक्स एंड आई एम इंस्पायर्ड टू डू मोर। आई लुक एट पीपल बिल्डिंग कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम इंस्पायर्ड टू डू मोर। आई डोंट गेट जेलस लुकिंग एट पीपल, नो, आई गेट इंस्पायर्ड टू राइट, टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, टू एक्सरसाइज, टू रन, टू डू मोर फॉर द सोसाइटी, टू डू मोर फॉर द वर्ल्ड, टू बी ग्रेटफुल, टू बी हैप्पी, चीयरफुल, स्प्रेड जॉय। हु हैज़ द टाइम फॉर नेगेटिविटी? डेफिनेटली नॉट मी, आई डोंट हैव द टाइम। या हु हैज़ द टाइम? यू हैव वन लाइफ, दैट्स ऑल इट इज। इफ इट स्टॉप्स, आई डोंट वॉन्ट बी नेगेटिव and sad and jealous and anxious and worried and insecure. No, I want to be happy and radiate positivity and radiate hope and be happy. Yeah, so it's just one life, dude. एक पैर कब्र में जा चुका है, दूसरा जाने वाला है. No, I don't have the time to be cribbing. Let's not crib. Yes, चलिए. There we go. See, I can keep cribbing. हाय मेरा disconnect हो गया, हाय, और I can reconnect it every time, no? Tell me. I can keep cribbing or I can keep reconnecting. Choice is always mine. What say? यू कैन ऑलवेज क्रिप, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर नहीं आ रहे, लाइक हाउ आई रिकनेक्टेड 20 टाइम्स इन वन क्लास विदाउट इवन वन लाइन हियर। यू कैन ऑल्सो डू द सेम, वी कैन आइदर क्रिप इन लाइफ और वी कैन बी हैप्पी एंड थैंकफुल। चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। लाइफ इज अ मिरर, व्हाट वी थ्रो वी गेट बैक। वी स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स एट अस, वी आर ग्रम्पी एंड द वर्ल्ड इज ग्रम्पी एट अस। येस एवरीबॉडी, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू एक्टिव एंड पैसिव। येस, सो एक्टिव इज जब आप कुछ करते हो, एक्टिव इज द वर्ल्ड स्माइल्स बैक एट यू, एक्टिव इज इवन इफ यूर ग्रम्पी द वर्ल्ड इज ग्रम्पी। पैसिव जब आप कुछ नहीं करते हो, वेन यू आर अ डोर मैट। आप लोगों की जनरेशन ये वर्ड बहुत यूज करती है, मैंने बहुत देखा। मैम आई फील लाइक अ डोर मैट रिलेशनशिप में लोग मुझे, जब आप कुछ नहीं करते तो यार जो होना है होने दे, ऐसा नहीं। जब आप एक्टिवली कुछ कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव। जब आप फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बना रहे हो, जब आप वर्कआउट कर रहे हो एक्टिव, जब आप वर्कआउट के वीडियो देख रहे हो पैसिव, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल आया मेरे मन में, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो एक्टिव, जब आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो जाएगा पैसिव। समझ में आया? जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो एक्टिव, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो एक्टिव, जब आप सोच रहे हो अच्छा ऐसा हो जाएगा, ओके इसको डिवाइड कर देंगे, अच्छा फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है हो जाएगा, चलो टर्न, दैट इज पैसिव। थैंक्स लव तिवारी जी। सो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब आप वर्क कर रहे हो, जब आप एंटीबॉडी बना रहे हो। पैसिव क्या होती है बेटा? एक 95 ईयर ओल्ड आदमी आया है आपके पास, आप डॉक्टर बन गए हो, एक 95 ईयर ओल्ड पेशेंट आ गया आपके पास, बेटा अगर तुमने इसको वैक्सीन लगा दिया। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट समझो, ये दो तीन चीजें इम्यूनाइजेशन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं अभी कराने वाली हूँ, समझो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझो। बेटा वैक्सीन क्या होता है? अमिताभ बच्चन आता है,
दो बूंद जिंदगी के। भैया आपने कभी पूछा है, अंकल जी वो दो बूंद तो हैं, उन दो बूंद के अंदर क्या है? उन दो बूंद के अंदर, थैंक्स रवु, उन दो बूंद के अंदर अध मरा बैक्टीरिया है या वायरस है? समझ आ गया? ये है दो बूंद के अंदर। क्या है दो बूंद के अंदर? अधमरा बैक्टीरिया या वायरस। अब वो दो बूंद के अंदर जो अधमरा बैक्टीरिया या वायरस है वो क्या करता है? बेटा जब वो हमारे शरीर में जाता है, अब ये दो बूंद पिला दिए, अब ये जो अधमरा वायरस या बैक्टीरिया है जब ये आपके शरीर में जाता है, क्योंकि आपको पिला दिया ये, तो बेटा आपके ये वायरस मरा हुआ है, ये वायरस क्या कर सकता है? इट कांट कॉज डिजीज। ये डिजीज नहीं कॉज कर सकता, इट कांट कॉज डिजीज, पर क्या कर सकता है? पर इट कैन स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम, या आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है। अब आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस को देखेगा, ये आपकी बॉडी में चला गया वायरस, अधमरा वायरस है ये, अधमरा। आपके इम्यून सिस्टम ने इसको देखा, आपके इम्यून सिस्टम ने क्या किया? आपके इम्यून सिस्टम ने इसको देखा कि अच्छा वायरस आ गया, ओ इसको देखा सी, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी, और एंटीबॉडी बनाकर रेडी रख ली। अब जब असली वायरस आएगा, ये तो अधमरा, ये तो मरा हुआ है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अब जब रियल वायरस आएगा, कभी तो जिंदगी में आएगा ना, एक्सपोजर होगा रियल वायरस, तो भैया आपके पास ऑलरेडी क्या बना हुआ है? आपके पास ऑलरेडी क्या है? एंटीबॉडी रेडी। तो आप क्या कर दोगे उसको? एंटीबॉडी आपके पास रेडी है ऑलरेडी, आप उसको कर दोगे अटैक, क्विक अटैक। दिस इज द फंक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन आपको क्या करती है बता देती है, बेटा असली वायरस ऐसा दिखता है, तो मॉक टेस्ट देते हो। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या है पता है? वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है भैया, किसी ने आज तक एग्जाम्पल नहीं यूज किया होगा, ये मॉक टेस्ट है। तुम्हारे नंबर कम आएंगे चलेगा, पर तुम्हें एक्सपोजर तो हो गया, जब रियल आएगा तुम्हें पता है, भैया जल्दी जल्दी करो, गोले बनाओ, 1 घंटा हो गया, बायो करो, टुक 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 टुक, भागो, फिजिक्स करो, ये करो वो करो। इज दैट क्लियर? थैंक्स गौरव शुक्ला जी। वैक्सीन क्या है? मॉक टेस्ट। भैया ऐसा होगा, असली में ऐसा ही होगा, 3 घंटे का पेपर है, ये डिजीज नहीं कॉज कर सकता, मॉक टेस्ट तुम्हारे एग्जाम में नंबर नहीं ला सकता। मॉक ऐसा नहीं बोल सकते, मेरे तो मॉक टेस्ट में 600 आए थे, प्लीज मुझे रैंक दे दो, नहीं। पर ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, तुम्हें बता देगा भैया रियल में एग्जाम ऐसा होगा, तुम तैयारी कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? तो जब असली आएगा तुम्हारा इम्यून सिस्टम, मतलब तुमने देख लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, तुम रेडी हो गए मॉक टेस्ट दे दे के, अब जब असली में आएगा, अटैक होगा तुम पे 7 मई को, तो तुम्हें पता है भैया मेरे को 1 घंटे के अंदर पेपर खत्म करना है, जल्दी जल्दी करना है, भाग भाग के करना है, डन। तो भैया जब तुम एंटीबॉडी बनाओगे, जब तुम एंटीबॉडी बनाओगे, वो क्या है? एक्टिव। यू आर मेकिंग एंटीबॉडी। तुमने क्या किया? यू मेक एंटीबॉडी। उन्होंने भैया मैं बनाऊंगा एंटीबॉडी, वो क्या है? एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी, मैं ही बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपने खुद की एंटीबॉडी। पर भैया मान लो कई बार तुम मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, मान लो तुम हो 2 मंथ्स के, तुम हो नहीं मान लो, या मान लो तुम हो 96 ईयर्स के, या मान लो तुम्हें एड्स हो गया, हुआ नहीं गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, राइट, कुछ तो ऐसा हो गया, तुम इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो, भैया तुम बहुत वीक हो, अगर मैंने तुम्हें वैक्सीन लगा दिया ना, तो वो अधमरा वायरस तुम्हारे अंदर डिजीज कॉज कर देगा, मैं नहीं लगा सकती तुम्हें वैक्सीन, तुम मर जाओगे वैक्सीन लगाने पे, ठीक है? थैंक्स वेदू मेरे बच्चे, तुम्हें वैक्सीन नहीं लगा सकते, तुम मर जाओगे, इतना तुम्हारी बॉडी में वीकनेस है। तो बेटा
साइंस क्या करेगी, साइंटिस्ट क्या करेगा, मैं किस मर्ज की दवाऊं, मैं किस मर्ज की दवाऊं। तुमने पूरा साल पढ़ाई नहीं की, ठंड बाबा जी का ठुल्लू किया, अब तुम्हारे एक भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया, टीचर ने तुम्हें बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमने कहा बाबा जी का ठुल्लू ठुल्लू ठुल्लू, तुमने नहीं पढ़ाई की, अब तुम्हारे साथ क्या होगा, अब तुम्हारे साथ क्या होगा। पैसिव इम्यूनिटी, साइंस क्या बोलेगी भाई, तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, मैं तुझे एंटीबॉडी बना के देता हूं, तेरा गुजारा हो जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी में वी मेक एंटीबॉडी इन लैबोरेटरी एंड वी गिव इट टू द पेशेंट, हम एंटीबॉडी लैबोरेटरी में बनाते हैं और हम पेशेंट को दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव। जब आप खुद बनाते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव। जब भैया तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि तुम वीक हो, तुमने सारा साल पढ़ाई नहीं की, तुमने सारा साल तुमने सारा साल आवारागर्दी की, तुम्हें बोल रहे थे पढ़ लो मॉक टेस्ट पेपर दे दो, तुमने किसी की एक ना सुनी, तुमने अफेयर किए, आवारागर्दियां की, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, अब आए हो वानी मैम हम 4 महीने में पढ़ लें, हमारा हो जाएगा, हम आज से शुरू हो जाए, मेरा मन तो करता है तुम्हारे मारो दो थप्पड़। और तुम्हें बताऊं 2 साल तुमने कौन से अंडे उबाले हैं, तुम क्या कर रहे थे 2 साल नालायकों, जो तुम अभी आए हो हम अभी पढ़ लें, हम अभी पढ़ लें, अभी हमारा हो जाएगा, अभी तुम्हारे डंडे पड़ेंगे 4 महीने में। क्या किया तुमने सारा साल, माँ बाप को धोखा दिया। अभी तुम आए हो मेरे पास, मैम अभी कैसे होगा, मैम कैन आई डू नाउ, कैन आई डू नाउ, रोज एक बच्चा आता है ना, वो क्या है, तुमने खुद नहीं किया, कोई काम नहीं किया एक्टिव काम, तो तुम्हें भैया अभी डंडा चाहिए, क्रैश कोर्स का डंडा चाहिए कि नहीं चाहिए, वह पैसिव इम्यूनिटी। मैम आप कर दो, मैम अब मैम को लगना पड़ेगा, राइट वी मेक, अब ये करवाना पड़ेगा मैम को, ये 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, इतना सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यस और नो, दैट इज एक्टिव। जब तुम खुद काम कर रहे हो, पूरा साल काम कर रहे हो, एंटीबॉडी बना रहे हो, एक्टिव, जब तुमसे नहीं हो पा रहा है दैट इज कॉल्ड एज पैसिव। समझ आया, इज दैट क्लियर एवरीबडी, डन डना डन। रोज एक ऐसा बच्चा आता है ना, मैं अभी से पढ़ लूँ अभी से पढ़ लूँ, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। कल की क्लास में एग्जैक्टली यहाँ से शुरू करूंगी, टुमारोज पार्ट 3, इम्यूनाइजेशन लगभग खत्म हो चुका है, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिकॉज कैंसर और ड्रग्स बचे हैं वो सिंपल पार्ट है, 1-1.5 घंटे की क्लास लेंगे और हम फिनिश कर देंगे, 7 to 8:30, 8:45 मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, हमेशा कहूंगी मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, जब आप कमेंट करते हो, मैं दिल से बता रही हूँ गाइज, इतने प्यारे आपके कमेंट्स पढ़ के मेरा दिन बन जाता है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक कमेंट ज़रूर छोड़ रहे हो, हाउ डू यू लाइक द क्लास, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, कुछ भी, बट प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एंड गाइज अपने स्कूल कॉलेज में ज़रूर इस लेक्चर के बारे में बात करो, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। 9 बजे मेरी सेशन है बायो स्पेशल के ऊपर, डोंट मिस दैट, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय।